Good morning, students. Today there is our English language period. Today's date is 1st July 2021, and today's day is Thursday. Okay, and today we are going to learn a new lesson, and that is lesson number 8, pronouns. Okay, we already know about the nouns, hai na? In the last period we have completed the lesson number 4, nouns. It is a part of speech. क्या है वो? Parts of speech है, मतलब जो हमारे भाषा भेद है, शब्द भेद है, उनमें से एक है nouns. Nouns, pronouns, adjectives, adverbs are the parts of speech. You have to learn it for your English language. Okay, to learn the English language. मतलब ये जो parts of speech है, 8 तरह के ये parts of speech है. समझ में आया? Nouns, pronouns, adverbs, adjectives, conjunctions, prepositions, है ना? Interjections. तो ये जो 8 प्रकार के शब्द भेद है वो आपको इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. अकॉर्डिंग टू दिस आई एम गोइंग टू टीच यू द प्रोनाउंस. ओके, यू नो द नाउंस नाउ. व्हाट आर द नाउंस? यस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउंस? नाउंस आर नेमिंग वर्ड्स. क्या होते हैं वो? नेमिंग वर्ड्स, शब्दों को दिए गए नाम. ओके, व्हाट आर नाउंस? नाउंस आर द नेम्स ऑफ प्लेसेस, पीपल एंड थिंग्स, है ना? नाम क्या होते हैं? लोगों को दिए गए, चीजों को दिए गए, जगहों को दिए गए नाम जो होते हैं उन्हें हम नाउंस कह के पुकारते हैं. ओके, नाउ दिस प्रोनाउंस इज आल्सो रिलेटेड टू द नाउंस. ये जो प्रोनाउंस है इसको हम कहते हैं सर्वनाम. क्या कहते हैं हम? सर्वनाम इन हिंदी. ओके, प्रोनाउंस जो होते हैं ये नाउन से ही रिलेटेड होते हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू सी द इंफॉर्मेशन अबाउट दीज प्रोनाउंस. यू अंडरस्टैंड? एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउंस. Instead of nouns, इसका मतलब होता है नामों के जगह पर, मतलब नाम को साइड में कर दिया जाता है, उसकी जगह पे प्रोनाउन आता है. नाम के जगह पे आने वाला जो शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं. यू अंडरस्टैंड? मतलब नाउंस को हम हटा देते हैं और उस जगह पे उससे रिलेटेड वर्ड हम लेते हैं. नाउ यू नो अबाउट द नाउंस. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाउंस एंड प्रोनाउंस? इसमें फर्क क्या है नाउंस में और प्रोनाउंस में? लुक एट द ब्लैंक बोर्ड. नाउ हियर, नेम ऑफ पीपल फॉर एग्जाम्पल राम. ओके, हियर understand? Now then the name of animals. Or creatures. For example, parrot. Or cow. Okay? Then नाउंस है. ओके, इसमें गुड शेफर्ड, स्कूल, राम, सीता, ये प्रॉपर नाउंस भी
मौजूद है, विशेष नाम भी मौजूद है, और शॉप, मार्केट, पैरेट, काउ, ये कॉमन नाउन्स भी मौजूद है। यू अंडरस्टैंड, बोथ आर कॉल्ड नाउन्स, इनको नाउन ऐसे कहा जाता है। नाउ व्हाट आर प्रोनाउन्स, वी यूज द वर्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स, जो शब्द हम नाउन्स के जगह पर या नाउन्स को हटा के लिखते हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन्स। फॉर एग्जाम्पल वी यूज ही फॉर राम, ओके, फॉर बॉयज फॉर राम वी यूज ही, मतलब बॉय के लिए, लड़के के लिए ही मतलब वो लड़का, या किसी पुरुष के लिए, जेंट्स के लिए भी हम ही यूज करते हैं, मिस्टर शाह, इसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। सो दिस इज द प्रोनाउन, राम इज वेरी गुड बॉय, राम एक बहुत अच्छा लड़का है, ही इज हैंडसम, वो दिखने में भी अच्छा है। You understand? He is handsome. बार बार हमने राम को यूज किया क्या, राम इस वर्ड को यूज किया क्या, राम को सिर्फ एक ही बार यूज किया, only for once, okay? एक ही बार हमने राम को यूज, राम इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी टैलेंटेड, what we use there? He instead of राम। बार बार हमने ऐसे बोला क्या, राम इज वेरी क्यूट, राम इज वेरी गुड बॉय, राम इज वेरी टैलेंटेड, राम इज वेरी हैंडसम, नो, ओनली फॉर वंस वी यूज द वर्ड राम एंड आफ्टर दैट वी यूज ही, लाइक राम इज अ गुड बॉय, ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी टैलेंटेड, ओके, ही इज वेरी स्कॉलर, लाइक दैट। You understand? So instead of Ram, we use the pronoun that is he. Understand? Now next, Sita. Sita is a girl. For the girls and the for the girl and for the lady, we use the pronoun she. वो लड़की. You understand? सीता इज ब्यूटिफुल, सीता सुंदर है, शी इज लेजी अल्सो, बट शी इज लेजी अल्सो, लेकिन वो बहुत आलसी है। एंड यू अंडरस्टैंड, इंस्टेड ऑफ सीता वी यूज शी देयर, ओनली फॉर वन टाइम वी यूज सीता, सीता इज वेरी ब्यूटिफुल, बट शी is very lazy, लेकिन वो बहुत आलसी है, मतलब हमने सीता की जगह पर दूसरी बार जब उसके बारे में बोला तब वहां पे क्या आया, she, ये क्या है, pronoun है, सर्वनाम है, सीता का नाम ना लेकर या सीता ये नाम हटाकर हमने उसकी जगह पर क्या लिखा, सर्वनाम लिखा। You understand? Now see, animals means for the people we can use he, she, or now see, Sita and Ram, ये एक से ज्यादा है, दो है, ओके, एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं, विच प्रोनाउन वी यूज फॉर मोर देन वन पीपल, दैट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर, तृतीय पुरुषी अनेकवचनी नाम पर जब हम एक से ज्यादा व्यक्तियों के नाम लेते हैं तब हम दे ये प्रोनाउन यूज करते हैं। यू अंडरस्टैंड, और जिसमें हम शामिल है आई एंड और सीता एंड जब एक से ज्यादा व्यक्ति है लेकिन उसमें मैं भी शामिल हूं तब हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रथम पुरुषी
अनेकवचनी शब्द का इस्तेमाल, सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं वो है वी, हम, ओके, और अस, हमें, ओके, ये लास्ट में आता है, ये स्टार्टिंग में आता है, ये लास्ट में आता है, वैसे ही दे स्टार्टिंग में आता है और देम एंड में आता है. You understand? Now, for animals, parrot is given there, cow is given there, and chair is given there. Chair is the name of a thing. चीज का नाम है. Table, chair, chalk, duster, these are the things. Names of the things. And parrot and cow are the animals. Okay? For them means for the animals and the and for the things we use it. You understand? It is pronoun का हम animals के लिए, यानी कोई भी creature हो, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो कोई चीज हो, जैसे कि chair, कुर्सी या table. चॉक, डस्टर, नोटबुक, बुक, ये जो चीजें हैं इनके लिए हम इट का इस्तेमाल करते हैं. ही और शी का इस्तेमाल सिर्फ पीपल के लिए, लोगों के लिए करते हैं, चीजों के लिए और एनिमल्स के लिए इट का इस्तेमाल हम करते हैं. यू अंडरस्टैंड? इट ये प्रोनाउन है. नाउ सी द प्लेस. प्लेस इज गुड शेफर्ड स्कूल. गुड शेफर्ड स्कूल ये प्रॉपर नाउन है, विशेष नाम है, लेकिन ये भी क्या है, एक जगह का नाम है. इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, इट. गुड शेफर्ड स्कूल इज वेरी नाइस, ओके. इट हैज अ गार्डन, उसमें एक गार्डन है. फिर से हमने गुड शेफर्ड स्कूल यूज किया क्या? नहीं, उसके अलावा हमने क्या यूज किया, इट. ओके, तो प्लस के लिए भी हम किस किस प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट वी यूज, इट. देन मार्केट, इट इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ प्लेस, इट इज अ कॉमन नाउन. हाँ, मार्केट यानी बाजार है ना, वो भी एक जगह का नाम है. सो वी हियर ऑल्सो वी यूज द प्रोनाउन इट. ओके, मार्केट प्लेस. ओके, नाउ शॉप. शॉप यानी दुकान. दुकान ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन, वी यूज इट फॉर द प्लेसेस. यू अंडरस्टैंड? मीन्स फॉर पीपल, मीन्स फॉर जेंट्स एंड फॉर लेडीज, फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स वी यूज ही और शी. एंड लॉट्स ऑफ बॉयज, लॉट्स ऑफ गर्ल्स आर देयर, सो वी यूज दे एंड दे. हियर फॉर एनिमल्स and for the things we use it. Then for the places we use the pronoun it. You understand? And when we are mentioned in a sentence means I is mentioned, someone is there and with him or her I means main wahan pe hoon, to hum use karte hain we or us. You understand? So these are the pronouns. Once again I'm telling you on the blackboard, I will explain you more. Okay, students? Now look at the blackboard once again. Here, I matlab main. This is first person singular pronoun. Ye pratham purushi ekvachani sarvanam hai. फिर से रिपीट करती हूं. आई मतलब मैं, ये प्रथम पुरुषी एकवचनी सर्वनाम है. यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वी, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है. इसका मतलब वी मतलब हम सब, ये प्रथम पुरुषी अनेक वचनी सर्वनाम है. आय एक वचनी है और वी अनेक वचनी, दोनों ही प्रथम पुरुष प्रथम पुरुषी है, लेकिन आय
सिंगल व्यक्ति के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है और वी एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। इसलिए आई सिंगुलर यानी एक वचन है और वी अनेक वचन है, प्लूरल है। समझ में आया? नाउ नेक्स्ट यू। दिस इज सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। ये द्वितीय पुरुषी एकवचनी सर्वनाम है। यू मतलब तुम अकेली या तुम अकेले। समझ में आया? सीता यू कम हियर मीन्स वी कॉल ओनली वन गर्ल। हमने सिर्फ सीता को ही यहाँ बुलाया है। दिस फर्स्ट यू इज सेकेंड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, द्वितीय पुरुषी एकवचनी सर्वनाम है। ओके एंड दिस यू तुम सब एक से ज्यादा व्यक्ति। ओके कम ऑन बॉयज और कम ऑन चिल्ड्रन मतलब बॉयज लड़कों इधर आओ, बच्चों इधर आओ। चिल्ड्रन ये प्लूरल है, बॉय बॉयज भी क्या है, प्लूरल है। मीन्स कम ऑन बॉयज यू हैव टू कम हियर। चलो बच्चों आपको यहाँ आना है। तो ये वाला जो है यू, ये क्या दर्शाता है? अनेकवचन यानी प्लूरल दर्शाता है। दिस इज सेकेंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन। ये क्या है? द्वितीय पुरुषी बहुवचनी या अनेकवचनी करता है। ओके यू अंडरस्टैंड? नाउ द नेक्स्ट वन इज ही। वी यूज ही फॉर बॉय, फॉर वन बॉय और फॉर वन पर्सन और फॉर वन जेंट। हाँ फॉर वन मैन। ओके यू अंडरस्टैंड? मतलब एक आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए और एक लड़के के लिए जो जेंट्स कैटेगरी में आते हैं, पुरुष कैटेगरी में आते हैं, उनको हम ही, वो लड़का, वो आदमी, वो इंसान ऐसे बुलाते हैं। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। क्या है ये? थर्ड पर्सन सिंगुलर है मतलब तृतीय पुरुषी एकवचनी करता है, जो पुरुष लड़कों के लिए यूज किया जाता है। सर्वनाम है। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तृतीय पुरुषी एकवचनी सर्वनाम है, जो लड़कों के लिए या किसी पुरुष का नाम लेने के लिए यूज किया जाता है, नाम के अलावा यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल राम, राम के लिए हमने ही यूज किया। मिस्टर अली, इनके लिए भी हमने ही यूज किया। यू अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट शी। ही मतलब वो लड़का, वो आदमी है ना। नाउ शी, शी वी यूज फॉर गर्ल और अ लेडी। हम शी किसी लड़की के लिए या किसी महिला के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ऑल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। ये भी ये क्या है? तृतीय पुरुषी एकवचनी सर्वनाम है। फॉर एग्जाम्पल रीना कम हियर, रीना इधर आओ। ओके एंड वी टेल समवन अबाउट हर, शी इज वेरी नाइस गर्ल। हाँ रीना को बुलाया मैंने और तब तक मैंने दूसरे से बात की, शी इज वेरी नाइस गर्ल, वो बहुत अच्छी लड़की है ना। तो शी, एक ही लड़की के लिए हमने शी का इस्तेमाल किया है, फॉर ओनली वन पर्सन। और मिसेस काले इज अ डॉक्टर। मिसेस काले क्या है? डॉक्टर है। शी गिव्स नाइस ट्रीटमेंट, वो बहुत अच्छे ट्रीटमेंट देती है, अच्छे उपचार करती है। शी मिसेस काले, एक ही व्यक्ति के लिए हमने शी का इस्तेमाल किया। यू अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट ई। दिस ई वी यूज फॉर एनिमल्स, बर्ड्स और द थिंग्स, है ना। हम ईट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? चीजों के लिए करते हैं और जानवरों को, पशु पंछियों के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्रो इज
sitting on the tree. Okay? कौवा कहाँ बैठा है? पेड़ पर बैठा है. It is eating something. वो कुछ खा रहा है. It is. It use किया हमने एक कौवे के लिए. समझ में आया? Now, there are lots of chalks. I want one chalk. It is on the table. एक चौक मुझे चाहिए, तो वो टेबल पर रखा हुआ है. जो टेबल पर रखा हुआ है वो चौक मुझे चाहिए. यू अंडरस्टैंड मीन्स फॉर द थिंग्स एंड फॉर द एनिमल्स वी यूज इट. इट इज अल्सो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन. ये भी एक तृतीय पुरुषी सिंगुलर प्रोनाउन है. या हम इसको प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं. द रैबिट्स आर वेरी स्वीट. वो रैबिट्स बहुत अच्छे हैं, है ना. इट लाइक कैरेट्स. उनको, अभी यहाँ पे उनको, है ना, उन रैबिट्स को, एक से ज्यादा है, वहां पे भी हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं. समझ में आया? सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं. उनको गाजर बहुत पसंद है. उन खरगोशों को गाजर बहुत पसंद है. वहां पे हमने इट का इस्तेमाल किया. एक जगह पे हमने इट का इस्तेमाल एकवचनी के तौर पर लिया, एकवचनी सर्वनाम के तौर पर किया, और एक जगह पे हमने बहुवचनी सर्वनाम के तौर पर किया. ओके, एंड द लास्ट वन, दे. दिस इज थर्ड पर्सन प्लूरल. थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन मतलब ये क्या है? तृतीय पुरुषी अनेक वचनी सर्वनाम है. यू अंडरस्टैंड? दे. द चिल्ड्रन आर ऑन द ग्राउंड. बच्चे ग्राउंड पर है. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. वो मतलब वो सब, वो बच्चे प्लूरल है, वो सब बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल कॉल्ड प्रोनाउंस. ये सब क्या है? सर्वनाम है. ओके, इंस्टेड ऑफ नाउंस वी यूज दीज प्रोनाउंस. मतलब नाम की जगह पर या नाम को हटा के, किसी के नाम को हटा के, वहां पे हम उसी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देने के लिए दूसरी बार प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. पहली बार में नाम आता है, कॉमन नाउन आएगा या प्रॉपर नाउन आएगा, है ना, सामान्य नाम आएगा या विशेष नाम आएगा, उन पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में उनको हटा के हमें प्रोनाउंस लिखना ही पड़ेगा, तभी रीडिंग इजी होगी. फॉर इजी रीडिंग वी यूज प्रोनाउंस. समझ में आया? सहज रूप से रीडिंग, हाँ, पढ़ना, पढ़ने के लिए हमें प्रोनाउंस की जरूरत होती है इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन मराठी आल्सो एंड इन हिंदी आल्सो. ओके, ऑल ग्रामर इज सेम. यू अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोनाउंस. टुमारो वी शैल स्टार्ट द लेसन. ओके, टिल देन गुड बाय. थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.